Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एन मौके पर नवेली ने रिकॉर्डिंग कैसे बदल दी। आई एम श्योर किसी ना किसी से नवेली को ये बात जरूर पता चली है कि मेरा फोन उसके बैग में है, लेकिन कौन बता सकता है उसको। स्टॉप इट चाहत, बस करो। इसके बाद मैं नवेली के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने वाला। लेकिन एक तो आपने मेरा फोन भी वहां किचन में रख दिया। अगर वो फोन मेरे पास होता तो कम मैं फोन को ऑन करके आगे की रिकॉर्डिंग तो सुना पाती आपको। कम से कम हमें ये तो पता चलता कि नवेली का बॉयफ्रेंड कौन है। हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड की आवाज आगे रिकॉर्ड हुई हो। ए छोरी, ये रिकॉर्डिंग बदलने में मदद किसने की तेरी? वो हमारे घर में काम करती है ना माँ, वो सुनीता, उसी ने। वैसे माँ बहुत काम की चीज है वो। उस सुनीता ने मदद की तेरी? जी मालकिन। उस आदमी का खुलासा हो जाएगा जो हमारी नवेली को बहका रहा है। अगर चाहत ने नवेली की हकीकत का खुलासा सबके सामने कर दिया तो वो घर वालों की निगाहों में आला मकाम हासिल कर लेगी, और ये मैं हरगिज़ होने नहीं दूंगी। मैं अभी जाकर नवेली को आगाह कर देती हूँ। और मुझे जैसे ही पता चला कि नई बुआरी छोटी मालकिन को बदनाम करना चाहती है, मैंने फौरन आकर इन्हें चौकन ना कर दी। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, वो नई बुआरी ने आपके पर्स में अपना फोन रखा है। शायद वो सबके सामने खुलासा करना चाहती कि आप अपने प्रेमी से मिलने गई थी। मत कहते इस चाहत की। चाहत को तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। सुनो सुनीता, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें आवाज बदल के मेरी सहेली बनके एक रिकॉर्डिंग बनानी होगी। जी। वैसे सुनीता, थैंक यू। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। कैसी बातें कर रही हैं छोटी मालकिन? आप ही का तो नमक खाते हैं। वैसे मालकिन, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर नई बुआरी छोटी मालकिन को बदनाम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि व्यास जी ने एक दो बार तारीफ क्या की, दिमाग बादलों में घूम रहा है छोरी का। लेकिन उसे तो धरती पर मैं लेकर आऊंगी। सुनीता, इसी तरह मदद करती रहना। जी। अब जा, कृपा कमरे में अकेली होगी। जी मालकिन। सुन, आज उसने मदद कर दी ठीक है, लेकिन नौकरों पर इतना भरोसा नहीं करना। कल वहां से ज्यादा पैसे मिलेंगे तो उसकी तरफ हो जाएंगे। और एक बात याद रखना, किसी भी हाल में तेरे और प्रमुख जी के रिश्ते के बारे में सुनीता को या किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन माँ, बाबा जो लड़के वाले को बुला रहे हैं उसका क्या? माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। माँ माँ प्लीज, आप कुछ भी करो लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है। ये कोई भी कारण सोच के मना कर देंगे, लेकिन अब जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दे, ताकि तुझ पे कोई शक ना कर सके। नीलकंठ की बुआरी, आई व्यास जी। Thank you.
देखिए क्या कर रहे हैं आप। कुछ भी अगर अपने हद से बाहर हो तो अच्छा नहीं लगता। फिर चाहे वो होठों से पहली लिपस्टिक हो या एक जिद्दी लड़की जो भूल चुकी है कि उसे झूठे रिश्ते निभाना है और उन रिश्तों में जबरदस्ती अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। वैसे भी अगर इस फैले हुए लिपस्टिक से अभियाजी के सामने जाती तो वो कुछ गलत समझते हैं। कहाँ रह गई नीलकंठ की बुआरी? सुनो चाहत, नो मोर जासूसी प्लीज। नीलकंठ की बुआरी, आई व्यास जी। जमना, नवेली को देखने आज शाम को लड़के वाले आ रहे हैं, गोदामरी को बता दिया है। जी जी जी, इसीलिए तो नवेली को लेके बाजार गई है नया सूट दिलवाने। नीलकंठ की बुआरी, सारी तैयारियां तुझे ही करनी, सब संभाल लेगी ना। जी व्यास जी। बेटा हो पाएगा ना तुझसे? अगर ना हो सके ना तो बोल देना, मैं कर लूंगा घर का सारा काम। मामा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं नवेली की भाभी नहीं बल्कि मैं तो उसे एक बहन की नजर से देखती हूँ और अपनी बहन के रिश्ते वाले दिन मैं कोई कमी कैसे रख सकती हूँ। मामा जी आप प्लीज फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। जमना, गौरी शंकर जी से कहना आते समय नौने की कुंडली लाना ना भूलें। ठीक है जीजा जी, मैं अभी बात कर लेता हूँ लड़के वालों से। नीलकंठ की बुआरी जी, व्यासी अतिथियों के लिए ये कप सॉसर इस्तेमाल मत करना, ये सॉसर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी सरस्वती विशेष अवसरों में उपयोग होने वाले बर्तन यहां रखा करती थी, इन्हें निकाल लो। जी व्यासी। एक मिनट, तेरे हाथों में तो छाले पड़े हुए हैं, रुक जा। सुनीता। जी व्यास जी।
वहाँ उस डिब्बे में। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।